जिया की मम्मी को क्या पता कि दूसरी लड़कियों के साथ क्या क्या बीता है। जिया की मम्मी ने एक बात बोली जो कि मेरे दिल में लगी यार, क्योंकि लड़कियों के साथ बहुत सारी चीजें होती हैं और ऐसी ऐसी लड़कियां हैं दुनिया में जिनके साथ इतनी बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं वो सामने तक भी नहीं आ पाई है, और आप भी ये चीज मानते हैं। जिया के साथ भी जो चीज़ें हुई हैं, या जैसे सेपरेशन हो गई है जिया के साथ, उनके मम्मी पापा सेपरेट हो गए हैं, जिया ने 13 ईयर से अपने आप को संभाला, ऑडिशंस गई और अपने आप को आगे बढ़ाया, बहुत ही अच्छी बात है, साथ में पढ़ाई की, बहुत ही अच्छी बात है जो जिया ने किया, पर इससे बहुत ही गंदे गंदे दिन जो है लड़कियाँ देख चुकी हैं। पर यहाँ पर उनकी मम्मी ये बात बोलती हैं कि मैं दावे से बोल सकती हूँ कि जो हम दोनों के साथ हुआ है वो किसी के साथ नहीं हुआ। ऐसा अच्छी बात नहीं है बोलना, दूसरों के दर्द में अपना दर्द भूल जाना, ये होती है बात। मनीषा रानी ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि वो एक ऐसे गांव में गई थी जहां पर उसके ऊपर रेप का आरोप तक लगा था, कि उसका रेप तक हुआ है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। मनीषा रानी ने डांस बार में काम तक किया है, जो मनीषा रानी ने खुद बताया है अपनी जुबानी। वो इतना सब चीजें करके यहाँ तक पहुंची, उसके ऊपर उसकी जो जर्नी है ये सब चीजें दिखाई देती है। और जब सलमान खान ने पूछा था कि आपकी लाइफ में लोअर जब पॉइंट आता है तब ऐसा होता है, तब जिया ने क्या बोला था वीकेंड के वार पे, नहीं मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी लोअर पॉइंट नहीं आया। क्यों, फिर तो ये पूरा लोअर ही है ना, पापा नहीं और ऐसा वैसा सब चीज़ें। तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, कितनी लड़कियों के साथ क्या क्या सब चीज़ें हुआ है, मेरे साथ क्या क्या सब चीज़ें हुआ है। अब मैं ढिंढोरा पीटते हुए थोड़ी ना बैठूंगी कि क्या है क्या नहीं है। मेरे भी मम्मी पापा सेपरेट है, सेपरेशन हुई हुई है उनकी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं नहीं बोल सकती हूँ, और अगर बोलूँगी भी तो क्या है। बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, लड़कों के साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, पर आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आप के साथ सबसे ज़्यादा हुआ और दूसरों के साथ कम। क्या कहते हैं आप? आपको भी, आप में से भी काफ़ी सारी लड़कियाँ होंगी जो कि अभी भी चुप बैठी हैं, जिनके साथ बहुत कुछ हुआ है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।